से यहाँ पे करवा चौथ की पूरी तैयारी कर रहे थे, यहाँ पे सब चीज तैयारी कर लिए हैं। और कीर्ति के पापा क्या किए गाइस, वो भर दिन नासा में आज भर दिन थे और गाड़ी से 2-3 लड़का के साथ बाहर गए हैं। और बाहर से पूरे ऐसा एक्सीडेंट हुआ है कि पूरे पिट्टी उठी, पूरा टी शर्ट फटल है, जीन्स फटल है, हेलमेट जो था ना वो पूरा फूटा हुआ है। उस फूट के उसके बाद पूरा माइंड में चोट लगा है, गाड़ी उड़ी पूरे कबाड़ा खाना में गया हुआ है। पूरे 2-3 लड़का के साथ थे और सुबह से ही घूम रहे हैं। जब हम दुकान बंद कर दिए थे ताकि आज घर में रहेंगे, रेस्ट करेंगे, हमारा थोड़ा बहुत सपोर्ट करेंगे, कुछ भी नहीं किए, सुबह से एक टाइम मैगी खाली खाए हैं और उसके बाद घूमते हैं दिन भर किसी का बात सुनते ही नहीं है। कहाँ से सुनेंगे, किसी का बात का वैल्यू रहेगा तब ना कोई कुछ बोलबो करेगा। सुबह से हम भूखते भूखते हमारा गाला लग रहा है कि बैठा जा रहा है, लेकिन किसी के बात नहीं सुन रहे। देख सकते अभी हम इतना अच्छा खुशी खुशी से इधर तैयारी कर रहे थे, सारा चीज तैयारी हो गया और आके वहाँ पे बैठे हुए शर्म से ऊपर नहीं आ रहे थे कि क्या मुँह लेके जाए उनके उसके पास। अभी फिर गए हैं, पता नहीं कहाँ गए कहाँ नहीं। अब बोल रहे हमारे ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं कि करवा चौथ के नतीजा है, करवा चौथ के नतीजा नहीं है। हम नहीं बोले थे कि कोई लड़का के साथ जाओ घूम के आओ और ये घटना घटा के आओ, लेकिन उनके वजह से सब चीज होता है। आज ये दिन भी उनके वजह से ही देखना पड़ रहा है। अब तो हम पूजा भी नहीं करेंगे, काय करेंगे, जब मेरे ऊपर इल्जाम लगा दिए कि तुम्हारी वजह से ये सब हुआ है, तो इसी वजह से हम कभी कोई पूजा नहीं करना चाहते हैं कि कभी कुछ हो जाए तो मुझे ही ब्लेम किया जाएगा। लेकिन देख सकते पूरा अभी ऐसी सुन सन पड़ा हुआ है। अब रेडी उडी भी इतना अच्छा खुशी से हम 4 से थे कि हम सारा चीज अच्छा से कर लेंगे, सब चीज अच्छा खुशी से पूरा भी वही किए। हम ये नहीं कहते कि वो कुछ नहीं किए, सब चीज वही किए, लेकिन पता नहीं उनका आज माइंड में क्या रहता है। भर दिन घुमंतरा में किसी बात का उनके ऊपर कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, कोई कुछ भी बोले नहीं बोले। बहुत तंग आ चुके हैं, मुझे कुछ करने का मन भी नहीं हो रहा है, मन कर रहा है कि क्या करूं नहीं करूं। फिर अभी मार्केट गए, मम्मी भी आ रहे हैं, अभी 5-6 बज गया है। अब पता नहीं मम्मी कब आएंगे कब नहीं, सारा बात मम्मी को बोलेंगे। उससे मम्मी भी सब जानते हैं कि हमारा बेटा कैसा है, बहू कैसा है, तो सब जानता है। पूजा नहीं करते तो आप लोग को लगता है कि एकदम पूजा नहीं करती है, कुछ नहीं करती, लेकिन कौन रिस्क लेगा, कौन इतना बड़ा इल्जाम सहेगा कि तुम्हारी वजह से ये सब हुआ है। हम नहीं बोलते कभी, किसी को गलत रास्ता नहीं दिखाते हैं, जब भी बोलते हैं अच्छा बात ही बोलते हैं। इतना अच्छा से सब चीज तैयारी किए तो वही करवाए थे, लेकिन ये सब कुछ नहीं करने जा रहे। अब हम जा रहे हैं आराम से, सो जाएंगे, लड्डू के लेंगे, सो जाएंगे। ये सब पूजा पाठ है, थोड़ा बहुत बस कर देते हैं, देखते हैं कब तक आते हैं। वीडियो भी पता नहीं जाएगा या नहीं जाएगा, वो डिलीट कर देंगे। हमको पता है कि वो वीडियो नहीं रहने देगा कि उनके ऊपर ये अति लांछन हम लगा दिए, लांछन नहीं लगाए, ये सच बात बोल रहे हैं, कोई लांछन नहीं लगाए, लेकिन उनको लगेगा कि हम उनका बुराई कर रहे हैं। थोड़ा देर में वीडियो भी डिलीट कर देंगे, हमको पता है, लेकिन कोई बात नहीं, वीडियो डिलीट करने से कुछ नहीं होता। जितना आदमी को जो समझना होगा वो समझ ही जाएंगे, लेकिन हमारे ऊपर कुछ नहीं सोचेगा कि ये ऐसी है वैसी है, हम जैसे भी हैं ठीक है, लेकिन किसी से कम नहीं है, किसी को अच्छा बात बोलते हैं। लेकिन आज ये सब घटना हुआ है, उनकी वजह से हुआ है, पता नहीं क्या सब हुआ है। 2-3 लड़का के पूरा ये सब पूरा मुंह का चेंज ही हो गया है, पूरा नक्शा ही बर्बाद हो गया है। चलिए अब ज्यादा कुछ नहीं बोलेंगे, हम अभी जाते हैं, देखते हैं क्या सब होता है नहीं होता है, परेशान करके छोड़ दिए। देखो गाइस, अगर मन में थोड़ा सा अभी खोट चलता तो हम इतना अच्छा से ये सब तैयारी नहीं करते। देखिए इतना अच्छा सब चीज तैयारी कर दिए, इधर सारा चीज हम मम्मी के लिए भी मतलब जो बहना होता है सब चीज रेडी कर दिए, इधर ये सारा चीज वही अरेंजमेंट किए, सारा पैसा फल वही लाए हैं, सब हम खरीदे, लेकिन पैसा सब उन्हीं का दिया हुआ। लेकिन क्या फायदा ऐसा दिया हुआ कि जब आदमी का शरीर ही ठीक नहीं रहेगा, इतना सामान सब पूर्ति ही कर देगा तो क्या फायदा। हमको ये सब नहीं चाहिए, बस शरीर आदमी का सुरक्षित रहे, यही सब लोग चाहता है और हम भी यही चाहते हैं। देख सकते हैं अभी दिया जला दिए, कहे कि शाम का समय हो गया है, अभी हम रेडी भी नहीं हुए, देखते हैं कैसा माहौल रहता है, उसके बाद देखेंगे।